हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और आज आप इस वीडियो के अंदर फ्रैक्शन के बारे में पूरी डिटेल जानने वाले हो। फ्रैक्शन मैथमेटिक्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल है और काफ़ी सारे बेसिक सिंप्लीफिकेशन, बेसिक इवैल्यूएशन में और सिंप्लीफिकेशन में ये मैथमेटिक्स में आपको ये टूल काफ़ी हेल्प करता है और साथ में आपको फ्रैक्शन की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो के अंदर आज आपको फ्रैक्शन को पूरा बिल्कुल बिगिनिंग से सिखाने वाला हूँ। मतलब आप बोल सकते हो कि आज आप इस वीडियो को देखकर फ्रैक्शन के लिए आप ज़ीरो से हीरो बन जाओगे, ये मेरी गारंटीड है। बट हाँ, इसके लिए आपको ये जो चैप्टर है या जो वीडियो है आपको उसको पूरा देखना होगा। इसमें मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाऊंगा, जिसमें मैं फ्रैक्शन का मीनिंग बताऊंगा, देन फ्रैक्शंस के टाइप्स बताऊंगा, देन फ्रैक्शन के ऊपर होने वाले फोर बेसिक ऑपरेशंस, जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये चारों टॉपिक मैं आपको बिल्कुल बहुत ही बेसिक बिगिनिंग तरीके से और जितने भी उसमें रूल्स लगते हैं वो सारे रूल्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और हम बिल्कुल फ्रैक्शन को एकदम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए। और हो सकता है आपके फ्रेंड्स जो फ्रैक्शन में काफ़ी अच्छा कुछ नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए और उनका भी नॉलेज बढ़ाइए। तो चैनल के ऊपर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ये वीडियो काफ़ी अच्छी रहेगी आपके लिए। और आपको अगर बेनिफिशियल लगती है, आपको ये कंटेंट आपको यूज़फुल लगता है, तो आप भी इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन, राइट। फ्रैक्शन देखो काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल है मैथमेटिक्स के अंदर और ये फ्रैक्शन है बच्चों को फिफ्थ क्लास से लेकर नाइन्थ क्लास तक पढ़ाया जाता है। इसमें आपका एडवांस रूप फॉर्म हो जाता है, इसका रेशनल नंबर भी इसमें से ही डिराइव हुए हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में हर चीज़ डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल, ठीक है। चलिए, अब जैसे मान लिया कि हम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और रेस्टोरेंट में हमने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, राइट। हमने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया तो हम जनरली क्या करते हैं, पिज़्ज़ा को पूरा नहीं खाते हैं, आप भी नहीं खाते होंगे और हम भी नहीं खाते हैं। तो हम क्या करते हैं, पिज़्ज़ा को कुछ पार्ट्स कर लेते हैं, 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में या 8 पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं, उसको तोड़ देते हैं, उसको कट कर लेते हैं, राइट। अब चलो मान लिया कि मैंने जो पिज़्ज़ा मंगवाया था वो काफ़ी बड़ा है और मैं इस पिज़्ज़ा को पूरा नहीं खा रहा हूँ, ठीक है। मैं इस पिज़्ज़ा को पूरा नहीं खा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इसके 2 पार्ट को ले रहा हूँ और बाकी का जो पिज़्ज़ा है वो मैंने मेरे फ्रेंड के साथ शेयर कर दिया, राइट। अच्छा, अब ये पिज़्ज़ा का जो क्वांटिटी था, पिज़्ज़ा कितनी क्वांटिटी में है, 1 क्वांटिटी में है, मतलब पिज़्ज़ा मैंने एक ही ऑर्डर किया था, राइट। पिज़्ज़ा मैंने एक ही ऑर्डर किया था, बट मैंने क्या किया, इस पिज़्ज़ा के 1, 2, 3, 4, 5 and 6 पार्ट कर दिए। कितने पार्ट कर दिए, टोटल 6 पार्ट कर दिए, राइट। उसमें से मैंने सिर्फ कौन से पार्ट लिए हैं, ये वाले पार्ट लिए हैं, मतलब मैंने 6 पार्ट में से सिर्फ 2 पार्ट को खाया है या मैंने उसको कंज्यूम किया है, मैंने उसको यूज़ में लिया है, राइट, जिसको मैंने ग्रीन पेन से दिखाया है। तो उसमें से मैंने सिर्फ कितने पार्ट लिए हैं, 2 पार्ट्स लिए हैं, राइट, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि ये मुझे सारी इन्फॉर्मेशन को एक मैथमेटिकल सिंबल के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने 1 क्वांटिटी लिया था, 1 पिज़्ज़ा मंगवाया था, मैंने कहीं 6 पिज़्ज़ा तो नहीं मंगवाए थे, एक मैंने पूरा मिलाकर 1 पिज़्ज़ा ही मंगवाया था, बट मैंने उसको खाने के लिए उसको 6 छोटे छोटे पार्ट में
डिवाइड कर दिया और मैंने 6 पार्ट तो नहीं खाए बट उसमें से सिर्फ 2 ही पार्ट खाए, तो मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन एक सिंबल में लिख देना है ताकि सामने वाला समझ भी जाए और मुझे ये सारी बातें उसको ना बतानी पड़े कि भाई मैंने कितना पिज़्ज़ा मंगवाया था, कितने पार्ट्स किए थे और मैंने उसमें से कितने पार्ट खाए, राइट। तो मुझे कुछ ऐसा लिखना है कि मतलब एक कुछ सिंबल लिख दूँ और वो सामने वाला या जो भी समझने वाला है वो तुरंत उसको रीड कर ले, राइट। ओके, तो उसको जो लिखने का तरीका है, ठीक है, उन्हीं को हम फ्रैक्शन कहते हैं। अब इसको लिखना कैसे दिखा दूँ, चलिए आपको एक लाइन करनी है, ठीक है, एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, एक लाइन करनी है, उसमें नीचे लिख देना है टोटल पार्ट, टोटल पार्ट, और ऊपर लिखना है आप टेकन पार्ट, टेकन पार्ट। अब देखो, ठीक है, जैसे 6 टोटल यहाँ पे कितने पार्ट थे, 6 पार्ट थे, बट मैंने कितने लिए, उसमें से 2 पार्ट लिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 पार्ट में से 2 पार्ट ले लिए गए हैं, राइट। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। 6 पार्ट में से देखिए टोटल पार्ट्स थे और ये टेकन पार्ट्स, मतलब 2 पार्ट लिए थे मैंने, 2 पार्ट खाए थे, ठीक है। तो 6 पार्ट में से 2 पार्ट ले लिए गए हैं, तो ये जो मैंने लिखा यहाँ पे, ये 2/6, 2/6 हिंदी में बच्चे बोलते हैं 2/6, ठीक है, गुजराती माँ गुजराती में बच्चे बोल देते हैं 2/6, ठीक है। तो ये हर एक लैंग्वेज का अपना खुद का अलग से टोन है, तो जनरली मैं हिंदी में ही बताता हूँ तो आप हिंदी में समझेंगे। तो यहाँ पे आप 2/6 लिखा है, तो ये 2/6 आपने जो लिखा, राइट, ये है फ्रैक्शन, ये है फ्रैक्शन, ठीक है, इसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। बट क्या फ्रैक्शन इतना ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्रैक्शन में बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे एक और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया जाए, आपका थोड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लिया ये कोई मेरे पास कोई ब्रेड का स्लाइस है और उसमें से मैंने उसको कट कर दिया है, ब्रेड की स्लाइस को कट कर दिया, राइट। उसमें से मैंने सिर्फ क्या किया है, उसमें से मैंने देखो ब्रेड स्लाइस, ब्रेड को मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने उसके कितने पार्ट किए हैं, 6 पार्ट किए हैं, बट मैंने उसमें से खाए कितने हैं, सिर्फ कितने पार्ट खाए हैं मैंने उसमें से, 3 पार्ट्स खाए हैं, राइट। तो ये भी क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक सर्कल है और उसमें मैंने क्या कर दिया है, 3 पार्ट कर दिए हैं, ये पार्ट 1, ये पार्ट 2 और ये पार्ट 3, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 3 पार्ट में से मैं कोई 1 पार्ट खा रहा हूँ या एक पार्ट को मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 पार्ट किए थे मैंने, उसमें से मैंने 1 पार्ट लिया, ठीक है, और इसको भी हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे, राइट। एक बात ध्यान देना, अगर आपने इसको फ्रैक्शन बोल दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा। गलत इसीलिए हुआ, उसका रीज़न बताऊं। देखो यहाँ पे पार्ट 1 बड़ा है, पार्ट 2 उससे थोड़ा छोटा है और पार्ट 3 उससे भी छोटा है। ये फ्रैक्शन वाली बात कब करनी है, जब ये टोटल पार्ट्स, ठीक है, ये टोटल पार्ट्स हैं वो सारे के सारे कैसे हों, इक्वल, समान हो, कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, ठीक है, इक्वल होने चाहिए, तभी आपका फ्रैक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे फॉलो होगा। तो इस बात का ध्यान रखना। चलिए अभी हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हम फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा और अच्छी तरीके से समझेंगे। अब फ्रैक्शन को तो हमने लिखना सीख लिया, फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब मैंने इसको ऐसे लिखा 4/9, ठीक है। तो इस जो नीचे वाली पार्ट है उसको हम क्या कहना है, डिनोमिनेटर, 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 और ऊपर वाले पार्ट को क्या कहना है, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, ठीक है। ओके,
डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, इसको हम एन से दिखाते हैं और इसको हम डी से दिखाते हैं, राइट। चलिए अब हम टाइप्स के बारे में आगे बढ़ेंगे। टाइप्स, वैसे तो फ्रैक्शन के मेजरली पांच टाइप्स हैं, उसमें से सबसे पहले टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि ऊपर नंबर छोटा हो और नीचे का नंबर कैसा हो, बड़ा हो। ठीक है, प्रॉपर का मतलब कैसा होता है, ऊपर का नंबर छोटा और नीचे का नंबर बड़ा। एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूँ, जैसे लिखिए, ले लिया हमने 3/7। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन का। दूसरा हम देखते हैं इम्प्रॉपर। अब तो आप समझ ही गए होंगे इम्प्रॉपर किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका उल्टा कर देना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब ऊपर बड़ा होगा नंबर और नीचे छोटा नंबर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं 7/2। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल हो गया। फिर एक और कैटेगरी है, बहुत ही खास कैटेगरी है, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन, इसमें कैसा होगा कि आपका एक होल नंबर रहेगा और फिर यहाँ पे आपका कोई नंबर रहेगा, इस तरीके से। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं 2 whole 1/7। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, आपका होल नंबर है, राइट, और फिर पीछे तो जो फ्रैक्शन है वही का वही रहेगा। एक बात का ध्यान रहे, मिक्स फ्रैक्शन में होल नंबर के बाजू में, यहाँ पे होल नंबर के बाजू में हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको, अगर मैंने ऐसे लिखा 2 whole 7/3 और 2 whole 3/7, तो ये लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन ही आना चाहिए, यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन ही आना चाहिए, ऊपर नंबर छोटा और नीचे का नंबर बड़ा, ऐसा होगा तो ही वो मिक्स फ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ को या मिक्स फ्रैक्शन की डेफिनेशन को फॉलो करेगा। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गए फ्रैक्शन के टाइप्स हो गए। अब दो और टाइप्स हैं, एक होता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में कैसा होगा, यहाँ पे 3/ नीचे के नंबर आपके सेम होंगे। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर सेम होगा, ऊपर चाहे आपने कुछ भी लिख दिया 5 or 7, कुछ भी लिख दिया, नीचे के नंबर सेम होने चाहिए। ठीक है, और दूसरा है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है, अब इसमें उल्टा कर देना, नीचे के नंबर सेम नहीं होंगे, यहाँ पे 3 or 4 लिख दिया और यहाँ पे 2 or 5 लिख दिया। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखना है, अगर नीचे के नंबर सेम हो जाते हैं तो वो लाइक फ्रैक्शन है, नीचे के नंबर सेम नहीं होते हैं तो वो अनलाइक फ्रैक्शन है। दूसरी बात, यहाँ पे आपको मैं एक छोटी बात नोट करवा दूँ, जब भी किसी फ्रैक्शन का आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन करोगे, तो वो आपका जो फ्रैक्शन, जो कुछ भी फ्रैक्शन होगा वो आपका हमेशा लाइक फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए। इसको मार्क करके रखो, ठीक है, इसको रिमार्क कर लो कि जो फ्रैक्शन है वो लाइक फ्रैक्शन ही होना चाहिए, मतलब नीचे के दोनों नंबर सेम होने चाहिए अगर उनका हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। चलिए ओके, अगला पड़ाव हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में कैसे चेंज किया जाए।
मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाए। इम्प्रॉपर मतलब उल्टा सीधा, उल्टा सीधा मतलब ऊपर नंबर बड़ा होगा और नीचे नंबर छोटा होगा। एग्जांपल दे रहे हैं, 9 whole 3 by, हमें यहाँ पे इम्प्रॉपर का एग्जांपल देना है तो हम क्या करेंगे, 9 by 7। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, 4 by 3, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 10 by 6, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमें इन फ्रैक्शन को क्या करना है, मिक्स में लेके जाना है, राइट। अब कैसे, तो उसके लिए खास तरीका है, जैसे आपके पास कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ, जैसे 10 by 3, राइट। अब मुझे इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेके जाना है, तो कुछ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे तो 3 आने ही वाला है, आपको पहले ही पता चल गया है, ठीक है। अब क्या करो, ऊपर वाला अंदर और नीचे वाला बाहर, ऊपर वाला अंदर और नीचे वाला बाहर। तो ये 10 है वो अंदर आ गया, ठीक है, और ये जो 3 है वो बाहर आ गया। मैंने क्या बोला, ऊपर वाला अंदर नीचे वाला बाहर। चलिए अब आपको सिंपल डिवीज़न करनी है, छोटे बच्चों वाली, 3 3 ज़ा 9, माइनस करोगे 1 बचेगा, ठीक है। इस 1 को आप यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे, ठीक है, और यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको आप यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि बेहतर समझ में आए, 14 by 5, ठीक है। तो पहला स्टेप तो क्या हो गया, एक लाइन कर दो, और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे तो 5 आने ही वाला है, सीधी बात है, ये आ गया 5, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, ऊपर वाला अंदर नीचे वाला बाहर, सिंपल डिवीजन, 5 2 ज़ा 10, क्योंकि 5 3 ज़ा 15 होता है, बढ़ जाएगा। फिर मैंने क्या बोला था कि आप इस 4 को कहाँ शिफ्ट कर दो, बिल्कुल यहाँ पे, और ये 2 कहाँ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में चेंज कर दिया, ठीक है। काफ़ी आसान टॉपिक है, इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी इजी सवाल इसके ऊपर आते हैं, खास करके 5th क्लास के बच्चों के लिए। अब इसका उल्टा करेंगे, हम मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे, उसके पहले सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल लेते हैं, 4 whole 3 by 7। मैंने बोला था कि ये जो है वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, मतलब ऊपर छोटा नीचे बड़ा होना चाहिए। दूसरा, 3 whole 1 by 3। तीसरा देखते हैं, 8 whole 1 by 9, ठीक है। चलिए मैंने आपको फिर से बताया था कि अगर वहाँ पे नीचे 7 है तो यही 7 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इसमें तो कोई मतलब कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं पैदा होती, ठीक है, नीचे 7 है तो नीचे 7 आ ही जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई ले लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और फिर जो आंसर आएगा आपका, ठीक है, उसको आप क्या कर देना, इसके साथ प्लस कर देना, जैसे 4 7 ज़ा 28, 28 के अंदर आप 3 ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 31। नहीं समझे, चलिए कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पे आपका 3 है तो 3 तो आने वाला है, चलिए ये 3 लिख दिया। अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई ले लीजिए आप, 3 3 ज़ा 9, और जो आंसर आया उसमें आप ये 1 को ऐड कर दीजिए, मतलब 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, ठीक है।
चलिए इसमें ट्राई करते हैं, नीचे 9 दिया हुआ है तो 9 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई ले लो, 8 और 9 का मल्टीप्लाई, 8 9 जा 72 और उसमें ये 1 क्या कर दो, ऐड कर दो, तो 8 9 जा 72, 72 प्लस 1 73। काफ़ी आसान, काफ़ी आसान, होप्स आपको समझ में भी आया होगा। और ये टेक्निक हम बार बार यूज़ करेंगे जब हम कोई क्वेश्चंस करेंगे, जब हमें मिक्स में आएगा तो हम उसको इम्प्रॉपर में लेके जाएंगे, और अगर हमारा आंसर इम्प्रॉपर में आ रहा है तो उसको हम मिक्स में लेके जाएंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया, अभी हम आ रहे हैं एडिशन, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी इसमें ही देखेंगे, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। बहुत ही बेसिक से आराम से जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहिए, आपका पक्का फ्रैक्शन है वो बिल्कुल से एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 1/3 प्लस 2/3, ठीक है। तो आपको पहले देखना है कि यहाँ पे नीचे का नंबर सेम है कि नहीं, ठीक है। अगर सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा, और सेम है तो आपका काम बच गया इतना, ठीक है। यहाँ पे दोनों में 3-3 दिया हुआ है, इसका मतलब हम यहाँ पे 3 एक बार लिखेंगे, और फिर आप क्या करो, यहाँ पे ऊपर जो दिया हुआ है उसका आप एडिशन ले लो, ठीक है। मतलब 1 + 2, अब कितना आंसर आया ऊपर, 3/3, ये आपका हो जाएगा, 3 को 3 से कट कराओगे तो कितना आंसर आएगा, 1 आएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे आपको दे दिया ऐसे 3 + 1/1 दे दिया, राइट। तो अब इसको मतलब एक नंबर होल में है और दूसरा नंबर फ्रैक्शन में है, कैसे करें, कोई बात नहीं, इस 3 के नीचे 1 लिख दो आप, ठीक है, इस 3 के नीचे 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखो दोनों के नंबर कैसे हो गए, नीचे वाले नंबर सेम हो गए, तो उनको आप एक बार लिख सकते हो, एक बार लिख दिया और ऊपर का एडिशन ले लिया आपने, ऊपर का एडिशन ले लिया, ठीक है। चलिए अब लाइन कर दी, 1 लिख दिया और ऊपर का कितना आंसर आया, 4 आया, और मैंने अभी बताया अगर ऊपर आंसर 4 आता है तो, और नीचे 1 आता है तो नीचे का 1 आप नहीं भी लिखोगे, ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 2/7 प्लस 9/7, पहले आप देख लीजिए ये प्रॉपर है कि नहीं, नीचे के नंबर सेम है कि नहीं, ठीक है। अगर सेम नहीं है तो सेम करने पड़ेंगे, चलो फिलहाल तो सेम दिया हुआ है तो नीचे हमने 7 लिख दिया और ऊपर लिख रहा हूँ मैं इनका एडिशन, ठीक है, 2 + 9, ये आपका हो जाएगा 11/7। मैंने आपको बताया था अगर वो इम्प्रॉपर में आ रहा है, ऊपर नंबर बड़ा आता है तो उसको किस में लेके जाना पड़ेगा, मिक्स में लेके जाना पड़ेगा। चलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 7 - 7 और 7 में कितना ऐड करें तो 11 हो जाए, 4, ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, 2 whole 1/3 प्लस 3 whole 1/3, ठीक है। मैंने अभी आपको बोला था कि अगर मिक्स में है तो इसको इम्प्रॉपर में लेके जाएंगे, तो मैंने आपको पहले आगे अभी 5-10 मिनट पहले आपको सिखाया, 3 2 = 6, 6 + 1 7/3 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए आप, 3 3 = 9, 9 + 1, ठीक है, 9 + 1 ये कितना हो जाएगा, 10। बिल्कुल, अभी हम
देख सकते हैं कि नीचे के नंबर कैसे हैं, सेम दिए हुए हैं, तो उसको हम एक बार लिखेंगे और ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे 7 + 10, ये हो गया आपका 17/3। देखिए फिर से किस में आ रहा है, इम्प्रॉपर में आ रहा है, ऊपर का नंबर बड़ा हो गया, तो इसको मिक्स में लेके जाना पड़ेगा। नीचे 3 दिया हो तो 3 तो आएगा आएगा। अब 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 15 में कितना ऐड करें तो 70 हो जाए 2। ठीक है, सिंपल, बहुत ही सिंपल। चलिए ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब हम बात करेंगे एडिशन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब जिसमें नीचे के नंबर या उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे। जैसे देखो 1/2 + 1/4, राइट। दूसरा एग्जांपल लेंगे 3/9 + 1/3, और तीसरा एग्जांपल लेंगे 3/16 + 1/4, राइट। ओके, अब आपको पता है कि फ्रैक्शन का जो एडिशन है वो एडिशन हमेशा किस में होता है, नीचे के नंबर सेम होते हैं तभी होगा। अब यहाँ पे तो डिनोमिनेटर मतलब नीचे के नंबर किसी में भी सेम नहीं है, तो ऐसा कुछ किया जाए कि नीचे के नंबर सेम हो जाए। यहाँ पे अब देखो ये 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, मतलब आपको पता है कि 2 के टेबल में 4 आता है। ठीक है, चलिए कुछ तो दिख गया आपको, मतलब 2 के टेबल में 4 आता है वो हमें समझ में आ गया, मतलब यहाँ से कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 3 के टेबल में 9 आता है, ठीक है, यहाँ से कुछ करेंगे हम। और यहाँ पे देखो 4 के टेबल में 16 आता है, बढ़िया। चलो मतलब कोई ना कोई नंबर किसी ना किसी नंबर के टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो कोई मैंने क्या कर दिया, मैंने 1/2 को एज इट इज लिख दिया प्लस 1/4 को एज इट इज लिख दिया, राइट। अब देखो मुझे कुछ भी करके यहाँ पे 4 लाना है, क्योंकि यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो अब ये क्वेश्चन कैसा हो गया, ऊपर हो गया 2 × 1 = 2 और नीचे हो गया 2 × 2 = 4 प्लस यहाँ पे कौन आया 1/4। अभी आप देख सकते हो, देखो नीचे के नंबर सेम हो गए, वक्त तो आप जानते हो कैसे करना है, एक बार लिखेंगे और इनका एडिशन कर लेंगे 2 + 1, ये आपका हो गया 3/4, बहुत ही बढ़िया। चलिए दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखो 3 के टेबल में 9 आता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे 9 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इधर भी हम 9 लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि दोनों सेम हो जाए। तो यहाँ पे 9 लाने की हम कोशिश करेंगे, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ वापस। चलिए अब यहाँ पे तो 9 दिया हुआ है, मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें कुछ करना पड़ेगा। तो 9 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ऊपर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा 3/9 + अब देखिए 1 × 3 = 3 हो गया और 3 × 3 = 9, बहुत ही बढ़िया। ओके, अब एक बार 9 लिखेंगे हम और यहाँ पे कितना हो गया 3 + 3, ये आपका हो गया 3 + 3 = 6/9। आप चाहो तो इसको रिड्यूस कर सकते हो, 3 × 2 = और 3 × 3 = 3, 3 कट हो जाएगा, कितना आंसर आया 2/3। चलो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 के टेबल में 16 आता है, राइट, मतलब हम 16 को तो कुछ नहीं करेंगे, 4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे कि वो 16 हो जाए। हम जानते हो 4 का टेबल काफ़ी अच्छी तरीके से, 3/16 प्लस इसको हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे कि 16 आ जाए। तो यहाँ पे हमने ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करा दिया,
ठीक है, तो हमें 16 मिल जाएगा आसानी से। तो ये आपका हो गया 3/16 प्लस ऊपर 1/4 और नीचे 4/16। बहुत ही बढ़िया, अभी दो बार 16 आया है तो नीचे 16 लिखेंगे और यहाँ पे हम इनका प्लस कर देंगे 3+4, ये आपका हो जाएगा 7/16। ठीक है, ये नंबर ऑलरेडी प्रॉपर में दिया हुआ है तो मतलब हमें हमें इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम बात करेंगे एडिशन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके ठीक है, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ 1/3 प्लस 2/4, फिर दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ 1/7 प्लस 1/15, ठीक है, फिर हम क्वेश्चन ले रहे हैं 1/3 प्लस 1/10। चलिए अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि इस 3 का इस 4 के साथ कोई रिश्ता नहीं है, रिश्ता नहीं है इसका मतलब 3 के टेबल में 4 नहीं आता है, और यहाँ पे 4 का 3 के साथ कोई रिश्ता नहीं है क्योंकि 4 के टेबल में 3 नहीं आता है, मतलब आपस में कोई फ्रेंडशिप ही नहीं बन रही है इनकी। अब क्या किया जाए, ठीक है, यहाँ पे भी सेम बात है, 7 का 15 से कोई रिलेशन नहीं है, 7 के टेबल में 15 नहीं आता है और 15 के टेबल में 7 नहीं आता है, तो इधर भी कुछ बात नहीं बन रही है। और यहाँ भी देख सकते हो आप, 3 का 10 के साथ कोई रिलेशन नहीं है, 3 के टेबल में 10 नहीं आते हैं और 10 के टेबल में 3 नहीं आते हैं। जब आप ऐसी कंडीशन में फंसते हो जहाँ पे दो डिनोमिनेटर के अंदर कोई एक दूसरे के टेबल में ना आता हो तो उस टाइम पे क्या करना है, क्या कीजिए, आप क्वेश्चन को एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 1/3 लिख दिया और यहाँ पे 2/4 लिख दिया, ठीक है। चलिए अब ये क्या करना है, इस 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब यहाँ पे, ठीक है, और इस 4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब यहाँ पे, राइट। चलिए अब देखो क्वेश्चन हमारा कैसा हो गया, 4/12 प्लस 6/12, अरे वाह, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब तो ये पहली वाला क्वेश्चन हो गया, एक ही बार 12 लिखेंगे और ऊपर इन दोनों को ऐड कर देंगे, 4+6 कितना हो जाएगा, ये 10/12। फिलहाल ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मिक्स में नहीं घुमाएंगे, फिर भी ये कट तो हो ही सकता है, 5 2 10 और 6 2 10, 2 2 कट हो गया और 5/6 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लिया जाए, देखो यहाँ पे 7 का और 15 का कोई रिश्ता नहीं है तो फिर वही हम टेक्निक लगाएंगे, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं अच्छी तरीके से, वन बाय सेवन या 1/15, फिर देखिए फिर हमने क्या किया था, इस 7 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाया था, तो इस 7 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो और फिर इस 15 को हम यहाँ पे, इस 15 को हम यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
चलिए अभी क्वेश्चन कैसा हो गया, 1 5 जा 1 15 जा 15 और 15 7 जा 105। दूसरा है 1 7 जा 7 और 15 7 जा 105। अब आप देख ही सकते हो ऊपर के नंबर सेम हो गए हैं 105, और ऊपर का आप ऐड करोगे यहाँ पे 15 प्लस 7, ये हो गया 22 बाय 105। ठीक है, ये ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो उसको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मान लिया ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको तो पहले सुधारेंगे हम। 3 1 जा 3 प्लस 1 4 बाई 3 हुआ प्लस 1 बाय 10। अब मुझे मालूम है कि 3 का और 10 का कोई रास्ता वास्ता नहीं है या उनका कोई रिलेशन नहीं है, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखेंगे हम पहले अच्छी तरीके से। यहाँ पे हम लिख दिया 4 बाई 3 और यहाँ पे लिख दिया हम 1 बाय 10। अब देख सकते हो आप, ये पहले 3 दोनों के पास जाएगा, यहाँ पे मतलब यहाँ पे चला गया दोनों के पास, और फिर ये जो 10 है वो इसके पास और इसके पास चला जाएगा, मतलब ये 10 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखो कितना हो जाएगा, 4 0 जा 40 प्लस 3 0 जा 30 प्लस 1 3 जा 3 और 3 10 जा 30। देखो नीचे के नंबर सेम हो गए ऑटोमेटिक, एक बार लिखेंगे हम उसको और इन दोनों को ऐड कर देंगे, 40 प्लस 3, ये हो जाएगा आपका 43 बाय 30। इसको मिक्स में घुमाना पड़ेगा, ऊपर का नंबर बड़ा हो गया है, 31 जा 30 और उसमें 13 ऐड करेंगे तो 43 हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा, अब यही क्वेश्चन माइनस में आ गया तो क्या करोगे आप, कोई बात नहीं सब्सट्रैक्शन देख लेते हैं। अरे भाई सब्सट्रैक्शन में कुछ भी नया नहीं है, जैसे प्लस करते हैं वहां माइनस करना है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल दे देते हैं, 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 9। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, 1 बाय 10 माइनस 1 बाय 100। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2 बाय 6 माइनस 3 बाय 9। राइट, अच्छा अब देखिए यहाँ पे मुझे मालूम है कि 3 के टेबल में तो 9 आता है, ठीक है 3 के टेबल में तो 9 आता है। अच्छा तो हम 9 को तो कुछ नहीं करेंगे, वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, बट 1 बाय 3 को कुछ करना पड़ेगा ताकि वो 9 बन जाए। कोई बात नहीं, इस 3 को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करा दो तो क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। 1 3 जा 3 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, -1/9 हो गया। यहाँ पे देखो 3 माइनस 1 दो बार है तो हम इस एक ही बार लिखेंगे, ये आपका हो गया 2/9। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये देखो 10 के टेबल में 100 आता है, मतलब 100 को तो हम कुछ नहीं करेंगे, 10 को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। बहुत ही अच्छा, -1/100। ठीक है, अब 10 को क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 100 हो जाए। अरे बहुत ही आसान, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो क्या आ जाएगा, 100 हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, ये आपका हो गया 10/100 -1/100। नीचे के नंबर सेम हो गए हैं तो हम उसको 100 लिखेंगे और यहाँ पे 10 - 1 इज इक्वल टू हो गया आपका 9/100। राइट, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो इसको मिक्स में नहीं लेके जाएंगे। चलिए थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। ओके,
अब देखो यहाँ पे 6 × 6 + 2 = 8/6 दिया हुआ है, -3/9 दिया हुआ है, राइट ओके। अब मुझे मालूम है कि 6 के टेबल में 9 नहीं आता है और 9 के टेबल में 6 नहीं आता है, राइट तो अब क्या किया जाए। मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड में दिखाया था कि जब नीचे के नंबर एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं तो नंबर क्या कर लेते हैं, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। इसी मेथड को कुछ बच्चे एलसीएम लेकर भी करते हैं, तो मैं आपको एलसीएम वाला तरीका भी बता दूंगा। 8/6 इसको एज इट इज लिख दिया, -3/9 इसको भी एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब देखो कौन सा नंबर कहाँ जा रहा है, ये वाला 6 नंबर है वो इसके पास जाएगा, दोनों के पास, मतलब ये हो गया 6 और 6, और फिर ये जो 9 है ये इसके पास और इसके पास जाएगा, मतलब यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9 ओके। ये कितना हो जाएगा, 8 × 9 = 72/54 −3/6 = 18/54। चलिए नीचे के नंबर सेम हो गए हैं तो उनको हम 54 लिखेंगे, और यहाँ पे 72 − 18 कितना होगा, 72 − 18। वीडियो चल रहा है तो मैं कुछ गलतियाँ करना नहीं चाहूँगा, तो इसलिए मैं आपको भी समझ में आया, इसलिए मैं बहुत ही बेसिक तरीके से मैनुअल कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 54। अरे वाह, 54 को 54 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर बचेगा, 1। चलिए अभी मैं आपको वो एलसीएम वाला तरीका भी बता ही देता हूँ कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एलसीएम लेके कैसे सॉल्व किया जाए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एलसीएम लेकर कैसे सॉल्व किया जाए, एलसीएम मेथड, ठीक है ओके। तो यहाँ पे चलो मान लिया कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 1/3 + 2/4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि आपको पता है कि 3 के टेबल में 4 नहीं आता है और 4 के टेबल में 3 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस 3 और इस 4 का एलसीएम ले लेंगे ओके। अब एलसीएम लेना आपको नहीं आता है तो मेरे बेसिक वाले प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आप एलसीएम कैसे निकालते हैं वो सीख सकते हो। पहले हम 3 × 3 करेंगे और 4 नीचे आ जाएगा, 2 से कराएंगे, 2 × 2 = 2, और ये 1 हो गया, फिर इसको 2 से करेंगे तो 2 × 1 = 2 और 2 × 1 = 2, ठीक है। तो अब एलसीएम कितना आ रहा है हमारा, एलसीएम यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एलसीएम मिलेगा 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 2, 2 × 4, 4 × 3 = 12, मतलब हमें यहाँ पे इस जगह पे 12 लाना है और इस जगह पे हमें 12 लाना है। ऐसा हमें कुछ एडजस्टमेंट करना है, कुछ नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि नीचे जहाँ पे आप 3 और 4 देख रहे हो वहाँ पे हमारा 12 हो जाए, ठीक है ओके। कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं। देखो पहले तो आप क्या करो, क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख दो, आप क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए। क्वेश्चन को लिख दिया हमने 1/3। अब मैंने क्या सोचा कि मुझे नीचे कुछ भी करके 12 लाना है, तो कोई बात नहीं, 3 के टेबल में 4 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 4 के टेबल में 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो हम 12 ला सकते हैं, राइट ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 × 4 = 4 और 3 × 4 = 12 प्लस 2 × 3 = 6 और 4 × 3 = 12, बहुत ही बढ़िया। नीचे के नंबर सेम हो गए, देख सकते हो आप। आप ऊपर का क्या कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, ये हो जाएगा 4 + 6
यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 10/12, 10/12। रिड्यूस कर सकते हो आप इसको 5 2 ज़ा और 6 2 ज़ा, 2 2 कट हो गया, ये आपका आंसर आएगा 5/6। चलिए एक और एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ। अब इस बार हम तीन तीन नंबर साथ में लेंगे, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्वेश्चन है 1/3 प्लस 2/4 प्लस 3/6, ठीक है। चलो अब जो नीचे के नंबर हैं वो सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नीचे के नंबर का हम एलसीएम बनाएंगे। हम क्या करेंगे, नीचे के नंबर का एलसीएम बनाएंगे। सबसे पहले हम 2 से करेंगे इसको, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 1 करेंगे, 2 2 ज़ा और 2 3 ज़ा। फिर 2 से करेंगे, 1 नीचे आ गया, 2 1 ज़ा 1 और 3 नहीं आता तो 3 नीचे आया। फिर हम 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा, ठीक है। तो आपका एलसीएम कितना बन रहा है, 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ा 4 × 3, 4 3 ज़ा 12। मतलब हमें यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे क्या लाना है, 12 लाना है, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ भी मल्टीप्लाई करके हमें क्या लाना है, 12 लाना है, कोई बात नहीं लेके आ जाएंगे। अभी देखो पहले हम क्वेश्चन को ठीक से लिखेंगे। पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को ठीक से लिखेंगे। देखिए अब यहाँ पे 1/3 था, यहाँ पे 2/4 था, यहाँ पे 3/6 था, ठीक है। अब मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई कराऊँ तो 12 आ जाए, 4 से कराना पड़ेगा, ऊपर नीचे 4 से कराएंगे। फिर 4 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 से करा देंगे तो 12 आ जाएगा, ऊपर नीचे 3 से कराना पड़ेगा मल्टीप्लाई। और 6 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 आ जाए, 6 2 ज़ा करेंगे तो ऊपर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, राइट। चलिए अब ये आपका हो गया 1 4 ज़ा 4, 3 4 ज़ा 12 प्लस 2 3 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12 प्लस 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, राइट। अब देख सकते हो तीनों में आपका जो डिनोमिनेटर है वो कैसा हो गया है, सेम हो गया है, 12 12 और 12। तो हम इसको एक बार लिखेंगे और फिर ये सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, 6 हो, अब सबको ऐड कर सकते हो एक साथ। 4 प्लस 6 6 10 10 प्लस 6 16, 16/12। दोनों नंबर इवन है तो रिड्यूस भी हो जाएंगे, 4 4 ज़ा और 4 3 ज़ा, 4 4 कट हुआ तो कितना आंसर आया आपका, 4/3। ये इम्प्रॉपर में आ रहा है तो इसको हम मिक्स में लेके जाएंगे, ऊपर का नंबर बड़ा हो गया है, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो आई होप सो यहाँ पे आपका एडिशन और सब्स्ट्रक्शन क्लियर है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है क्योंकि आप जिस तरीके से एडिशन कराते हो उसी तरीके से आपको माइनस कर देना है। बाकी एलसीएम लेने का तरीका, नीचे के नंबर को सेम करने का तरीका बिल्कुल सेम ही है। चलिए अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन में 4 रूल हैं, इसमें मैं पहली बात करूँगा रूल 1 की बात करूँगा, फिर मैं बात करूँगा रूल 2 की, फिर रूल 3 रहेगा यहाँ पे आपका, और फाइनली रूल 4 का। अगर ये रूल पता नहीं होंगे तो बच्चे क्या करते हैं कि हर बार कुछ ना कुछ गलत
करके आ जाते हैं, कौन सा नंबर कहाँ कटना चाहिए वो नहीं पता चलता है उनको। चलिए इनको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि मुझे चार रोल में लिखना पड़ेगा। चलिए अब इसमें क्या, ये जो हर एक बॉक्स दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स का मैं बी लिख रहा हूँ, बॉक्स बी, बॉक्स बी, ये बॉक्स है ना, नंबर दिखा रहा है, ठीक है। तो रूल वन क्या कहता है कि आप ऊपर के कोई नंबर को नीचे के नंबर से कट कर सकते हो, ठीक है, मतलब आप इस सीक्वेंस से कट कर सकते हो, ऊपर नीचे कट कर सकते हो, मल्टीप्लाई के पहले ऊपर नीचे कट होता है। रूल नंबर टू क्या बोलता है कि मल्टीप्लाई के बाद में, मतलब ये बाद में ऊपर नीचे कट कर सकते हो आप, ठीक है। रूल नंबर थ्री क्या कहता है, मल्टीप्लाई के पहले और मल्टीप्लाई के बाद में आप ऐसे क्रॉस में कट कर सकते हो। और रूल नंबर फोर क्या कहता है, मल्टीप्लाई के पहले नीचे की साइड और मल्टीप्लाई के बाद में ऊपर की साइड, मतलब आप इनको ऐसे कट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके से कोई भी नंबर कट नहीं करना है, ठीक है। आप क्या करते हो, ऊपर के ऊपर से कट करा देते हो, नीचे के नंबर से कट करा देते हो, भाई गलत है, ये जो रूल है उसके हिसाब से आपको चलना है। मैं आपको एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, जैसे 2/4 मल्टीप्लाई 1/7, फिर मैं लिखा रहा हूँ 3/10 इंटू 4/8, फिर मैं लिखा रहा हूँ 3/9 इंटू 1/12, और यहाँ पे 1/6 इंटू 12/7, राइट। तो पहले रूल नंबर वन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इनको कट कराएंगे, 2 2 4, ऊपर क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। रूल नंबर टू के हिसाब से 4 2 8, 2 यहाँ पे आएगा, ऊपर 1 बचेगा। रूल नंबर थ्री के अकॉर्डिंग 3 4 12, ऊपर 1 बचा, और यह रूल नंबर फोर के हिसाब से 6 2 यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। अब जो कुछ भी बचा है वो लिख दीजिए आप लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे। लाइन के ऊपर क्या बचा, 1 × 1 बचा, और लाइन के नीचे क्या बचा, 2 × 7, कितना आंसर आया, 1/14। फिर यहाँ पे लाइन के ऊपर क्या बचा, 3 × 1, और यहाँ पे 10 × 2, कितना आंसर आ जाएगा, 3/20। फिर देखिए यहाँ पे लाइन के ऊपर क्या बच रहा है, 1 × 1, और यहाँ पे 9 × 4, तो 1/9 4 = 36। यहाँ पे देखिए लाइन के ऊपर क्या बचा है, 1 बचा है और एक 2 बचा है, यहाँ पे 1 बचा है और ये 7 बचा है, तो आप देख सकते हो 1 2 = 2 7 1 = 7। तो ये इस तरीके से सॉल्व होता है, मल्टीप्लिकेशन काफ़ी इजी है, काफ़ी, ठीक है। चलिए अब हम थोड़े और सम करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बेस पे। जैसे मेरे पास कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, 4 whole 1/3 × यहाँ पे दिया हुआ है 3। दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, 3 × 1/6, और तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, 2/81 × 3/16, ठीक है, ओके। अब पहले तो मिक्स में दिया हुआ है तो इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 4 3 = 12, 12 + 1 13,
13 बाई 3, और यहाँ पे तो 3 अकेला दिया हुआ है, तो इसके नीचे हम क्या कर देंगे, 1 लगा देंगे, 3 बाई 1। आप देख सकते हो ये आमने सामने कट हो सकते हैं, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, तो लाइन के ऊपर क्या बच रहा है, 30 इंटू 3 30 इंटू 1, और नीचे क्या बचा है, 1 इंटू 1। तो ये आपका हो गया 13 बाय 1। नीचे बनाए तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब सीधा आंसर लिख दीजिए 13। चलिए अब यहाँ पे देखिए 3 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख देंगे, और आप देख सकते हो मैंने क्या लिख दिया, 3 बाय 1 मल्टीप्लाई 1 बाय 6। देख सकते हो आप आमने सामने कट हो सकता है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचेगा, जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ 1 बचेगा, लाइन के ऊपर 1 इंटू 1, और लाइन के नीचे 1 इंटू 2। यहाँ पे लाइन में बोल रहा हूँ, आपको डिवाइड बोलना है, 1 1 ज़ा 1 एंड 1 2 ज़ा 2। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे देखो कुछ आमने सामने कट हो रहा है, तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर हम इसको कट भी करेंगे। देखिए आप देख सकते हो 2 8 ज़ा हो जाएगा, ऊपर 1 बचा, राइट। और यहाँ पे 81 और 3 भी कट होता है, ठीक है, जैसे मैं आपको करके दिखाऊँ, 81 और 3 भी कट होता है, 3 2 ज़ा 6, 2 बचा 1, 3 7 ज़ा 21, 0। मतलब अगर हम इसको कट करेंगे तो 27 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और ऊपर 1 बचा, तो यहाँ डिवाइड के ऊपर क्या बचा है, 1 इंटू 1, और डिवाइड के नीचे क्या बचा, 27 इंटू 8, 1 1 ज़ा 1, 27 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 7 ज़ा 56, 8 2 ज़ा 16 प्लस 5 21, 2 1 6, ठीक है। तो ये आसान आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी तरीके से हो जाते हैं। चलिए अभी हम बात करेंगे डिवीज़न की, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। देखो ये टॉपिक मैं आपको सिखाने से पहले आप सीख चुके हो, ऐसा बोल सकता हूँ, अभी मैंने आपको डिवीज़न सिखाया नहीं है, बट आप डिवीज़न सीख गए हो। कैसे, देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 1 बाय 4 डिवाइड बाय 3 बाय 16, राइट। एक बात याद रखिए, फ्रैक्शन का डिवीज़न नहीं करना है, बट आप क्या करो, इस डिवीज़न को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, ठीक है। और ये कैसे होगा, अगर आपने इस नंबर को ऐसे घुमा दिया, किस नंबर को घुमाना है, जो डिवीज़न के बाजू में है, डिवीज़न के पीछे है, ठीक है। अगर आपने डिवीज़न के पीछे जो नंबर है उसको घुमा दिया, उसको रेसिप्रोकल कर दिया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर दिया, तो आपका जो डिवाइड है वो किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 1 बाय 4। अब डिवाइड को मैं क्या लिखूँगा, मल्टीप्लाई लिखूँगा और नंबर को घुमा दूँगा, 16 बाय 3, राइट। देख सकते हो क्रॉस में कट हो रहा है यहाँ पे, 4 4 ज़ा, राइट। तो ऊपर क्या बचा आपका, डिवीज़न के पहले क्या बचा, 1 इंटू 4, और नीचे 1 इंटू 3, ये आपका हो गया 4 बाय 3। मिक्स में करना पड़ेगा, ऊपर का नंबर बड़ा है इसीलिए, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, राइट। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 8 होल 1 बाय 2 डिवाइड बाय 3 होल 1 बाय 10, राइट। चलिए इसको मिक्स में है तो इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 8 2 ज़ा 16 प्लस 1 17 बाय 2 डिवाइड बाय 3 10 ज़ा 30 प्लस 1 31 बाय 10। मैंने क्या बोला, अगर आपको डिवीज़न का मल्टीप्लाई करना है
तो आपको इस नंबर को घुमाना होगा, डिवीजन के पीछे जो होगा उसको घुमाना होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना होगा या उसको रेसिप्रोकल करना होगा। तो हम करेंगे, नंबर घुमाएंगे तो हमारा जो डिवीजन है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। चलिए तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में डिवीजन नहीं लिखूंगा, मल्टीप्लाई लिखूंगा। डिवीजन के पहले वाला नंबर एज इट इज लिखना है, डिवीजन का मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे नंबर घूम गया, 10/31 हो गया। ठीक है, देखो ये पहले था, अभी कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया। ओके, कुछ कट हो रहा है देखो क्रॉस में, 5 और ये 1। चलिए डिवीजन के ऊपर क्या बचा है, 17 × 5 और यहाँ पे क्या बचा है, 1 × 31। अब आप देख सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, 17 × 5 = 85/31। ओके, क्या इसको मिक्स में चेंज करना पड़ेगा, और अगर यस तो इसका क्या आंसर होगा मुझे आप कमेंट में बताओगे, और अगर नो तो इसका क्या रीज़न होगा कमेंट में बताओगे। ठीक है, आई होप सो मुझे जितने भी बच्चे देख रहे हैं तो मुझे कमेंट में आंसर ज़रूर बताएंगे, और अगर ये आप वीडियो देखते हो तो अपना नाम, अपना स्कूल, आपकी एज जरूर लिखिए, ताकि ये मुझे मोटिवेट करेगा कि मेरा वीडियो है या मेरा कंटेंट है या मेरा कुछ भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो कितने बच्चों के पास जा रहा है, और ये मुझे मोटिवेट करेगा तो मैं कुछ और टॉपिक्स के ऊपर आपको ऐसे आसान से वीडियो बना के दे दूँगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, हमने इस एक हवर की जर्नी के अंदर काफ़ी कुछ कवर किया है। ठीक है, जैसे मैं आपको फिर से बताऊँ, हमने शुरुआत की थी फ्रैक्शन के मीनिंग से लेकर, हमने काफ़ी लंबा रास्ता तय किया यहाँ पे। ठीक है, देख सकते हो, ये ऑनलाइन क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के नोट्स हैं, फिलहाल हमने फ्रैक्शन से स्टार्ट किया था। कहाँ गया हमारा फ्रैक्शन, ओके ये रहा, फाइन। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था फ्रैक्शन का मीनिंग, और हम बस पढ़ते गए फ्रैक्शन का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मीनिंग, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन सब कुछ देख लिया। तो काफ़ी मेहनत की आपके पीछे, और अगर ये वीडियो आपको सही लगता है, आपको इसमें से कुछ सीखने को मिलता है, तो आप इसको जितना हो सके इतना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपने ग्रुप में, अपने स्कूल फ्रेंड के साथ, अपने ट्यूशन फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, और इस वीडियो को मैक्सिमम बच्चों तक लेके जाएं। थैंक यू सो मच। अगर आपको और भी कुछ टॉपिक्स चाहिए जिनको इजीली समझना है इसी तरीके से, तो अपना नाम और अपने कमेंट बॉक्स में अपना नाम और टॉपिक का नाम लिख दीजिए, हमें जब भी वक्त मिलेगा तो हम उसके लिए प्रिपरेशन करके आपको एक सही से वीडियो बनाकर देंगे। थैंक यू सो मच इस चैनल पे आने के लिए और हमारे कंटेंट, हमारे वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।